मेरा नाम नरेंद्र जोशी है। मैं कक्षा 6 में हिंदी विषय लेता हूँ। तो मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ अपना। मैंने एक चैप्टर लिया था न्याय, जो उनके टेक्स्ट बुक में ही है। तो न्याय बेसिकली एक डिसीजन लेना था राजा को कि हंस किसका होना चाहिए। उसमें सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों हंस के लिए लड़ते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर ये हंस होना किसका चाहिए। तो वो दोनों जाकर राजमहल में जाते हैं और राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं। तो राजा भी काफ़ी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं वहाँ पर। तो मैंने काफ़ी कहानी काफ़ी अच्छे से नरेट कर दी थी बच्चों को, और उससे पहले एक भूमिका बना ली थी कि भाई न्याय आप क्या समझते हैं न्याय को। तो न्याय के विषय में उनका भी यही था कि अगर हमारी कोई चीज़ ले ले तो हम उसको कैसे पा सकते हैं वापस, यही चीज़ थी। तो मैंने कहानी यहीं पर रोक दी थी कि भाई न्याय उसको कैसे मिलेगा, हंस किसका होना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा। तो मैंने बच्चों से कहा कि मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है और मैं भूल भी चुका हूँ आधी कहानी, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि भाई हंस किसका होना चाहिए। तो अच्छी बात ये रही कि मुझे दोनों पक्ष मिल चुके थे, उसमें आधे देवदत्त के पक्षधर थे और आधे सिद्धार्थ के पक्षधर थे। देवदत्त के पक्षधर कह रहे थे कि उसने मेहनत की है, वो शिकार कर रहा था तो पक्षी का शिकार करता कर रहा था, तो हंस उसने मारा है तो ऑब्वियसली हंस उसका होना चाहिए। और सिद्धार्थ के पक्षधर कह रहे थे कि भाई अगर सिद्धार्थ ने किसी की जान बचाई है और वो अब भी मरा नहीं है हंस, तो उनको पूरा अधिकार है कि हंस उनके पास रहना चाहिए। अब जब इसमें काफ़ी चर्चाएं होने लगी तो इतने में एक लड़की मेरे से बोल पड़ी कि सर बहुत हो गया, अब आप ही ये बताइए कि यह हंस होना किसका चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इसका कोई सीधा सा उत्तर नहीं है, लेकिन मैंने इस कहानी में एक लास्ट में पढ़ा है कि राजा जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री इसका कुछ निर्णय लीजिए। तो मंत्री कहते हैं महाराज क्यों ना हम हंस को ही डिसाइड करने दें कि मैं किसके पास जाना चाहूँगा। तो राजा को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो मंत्री ने कहा कि हंस को एक अलग स्थान में रख दीजिए और वो बारी बारी से जाएंगे सिद्धार्थ और देवदत्त, जिसके पास हंस जाएगा उसका हंस हो जाएगा। तो उन्होंने हंस को अलग रख दिया और हंस पहले देवदत्त गया हंस के पास, तो देवदत्त से वो डर कर भागने लग गया, और जब सिद्धार्थ गए तो हंस सिद्धार्थ के पास आ गया। तो अब आप ही सोचिए कि क्या यह सही है या गलत है। तो इसमें फिर देवदत्त के पक्षधर फिर से वो इतनी आसानी से मान नहीं रहते, वो कहते भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि पक्षी ऐसे उड़ जाए, उसे इतना डर कैसे लग गया। तो मेरे पास तर्क देने के लिए उनके लिए सिर्फ यही था कि मैंने कहा भाई आप कोई जानवर पालते हो घर में तो शायद आप देखते होंगे कि उसका लगाव ज़्यादा किसकी तरफ होता है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पर शांत हो गए थे, पर मुझे लगा नहीं कि उनको संतुष्टि हुई उस उत्तर से। ये तो कहानी का एक भाग था जो नरेटिंग भाग था। इसमें यही चीज़ें मुझे देखने को मिली कि मतलब बच्चे कितना एक्साइटमेंट होते हैं किसी चीज़ के निर्णय लेने में और उसमें, और उनका जो प्रतिभाग होता है वो तब होता है जब आप उन पर कोई चीज़ छोड़ दो, उनको जिम्मेदारी दे दो कि भाई ये आपने डिसाइड करना है। तो एक अच्छी लर्निंग रही। दूसरा फिर इसी में एक्सटेंशन अगर मैंने कहानी का करना चाहा, अब रिटर्न एक्सरसाइज में मैं आ गया तो उसमें एक प्रश्न आ गया था कि जानवरों के मारने पर एक एक्ट है, एक कानून है जिसके तहत कि मारने वाले को सजा होगी। तो आपको क्या लगता है कि वो सजा क्यों होनी चाहिए, क्या वो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन पूरा हुआ भी नहीं था कि इतने में फिर से एक बच्चा बोल पड़ा कि सर ऐसा तो कहीं होता ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि सजा होती है, सड़कों में इतने कुत्ते मर रहे हैं गाड़ियों के नीचे आकर, मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि पुलिस पकड़ के ले गई। तो मैं काफ़ी देर तक तो सोचता रहा उस प्रश्न के बारे में, लेकिन
मुझे नहीं लगा कि मैं इसका उत्तर दे पा रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो हम अभी लिखने का काम कर लेते हैं, बाकी इस पर बात जरूर होगी, लेकिन इस पर बात होगी कल। आप सभी लोग सोच के आना कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो आज उन्होंने मान लिया उस बात को, लेकिन कल मेरे कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने जब मेरे से कहा कि भाई सर कल की बात अधूरी रह गई, उसे पूरा करना है, तो मैं पहले से घबराया हुआ था कि कहीं पूछने दें, उन्होंने पूछ ही लिया था। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं मिला, आपके पास है तो आप बताइए। तो इतने में बच्चे काफ़ी उत्साहित थे आज उत्तर देने के लिए, उन्होंने कहा सर मैं दूंगा जवाब। तो एक कहने लग गया कि ये यहाँ सड़कों के जानवरों के लिए और पालतू जानवरों के लिए नियम नहीं है, ये उन जंगली जानवरों के लिए जिनकी संख्या कम हो रही है ताकि उनको बचाया जा सके। ओके, मैंने कहा भाई एक उत्तर तो यह है इसका। तो इतने में दूसरा कहने लग गया कि लेकिन इनके लिए भी तो होना चाहिए कुछ, ये भी तो प्राणी है, ये भी तो मर रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई आपके पास इसका उत्तर है क्या दिलीप कुछ, तो वो भी चुप हो गया। तो फिर इतने में एक फिर कहने लग गया कि अच्छा सर हम लोग तो अपने सामने देख रहे कि जो बुच्चड़ होते हैं उनके यहाँ वो बकरे कट रहे हैं और मुर्गियाँ कट रही हैं, हम लोग भी खा रहे हैं और हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे, क्या वो जानवर नहीं है, उन पे भी तो जीवन है, तो उनके लिए क्या कानून है। तो फिर इतने में दूसरा बोल पड़ा कि भाई उनके लिए कानून कैसे बन सकता है, वो तो उसके अपने और अपनों को मारने के लिए उस पर केस कौन करेगा। अगर वो किसी और पर और के जानवरों को काट रहा है या किसी और की मुर्गी को काट रहा है तो वो तो उस पर केस करेगा, लेकिन जब उसने खुद के काटे हैं तो उस पर कौन केस करेगा। तो फिर थोड़ी देर में एक फिर हाथ उठा कि सर ये बताइए कि हम भी तो अपने माँ बाप के अपने बच्चे हैं, तो हमको क्यों नहीं काट देते अगर अपनों को काटते हैं। तो ये चर्चा काफ़ी आगे बढ़ने लगी थी, बच्चे फिर अपने आप में लड़ने जैसे लगे थे, तो मुझे लगा कि इस चर्चा को बंद कर देना चाहिए। तो मैंने सिर्फ उन्हें एक हिंट दिया कि भाई वो मुर्गी और बकरे का जो काट रहे हैं उसका कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है। तो उसका एक उनको लगा कि भाई पैसा कमाने का एक जरिया है, एक साधन है, लेकिन उसमें भी उनकी जो संवेदनशीलता थी वो देखने लायक थी। तो कुल मिला के इस कहानी में, हालांकि साधारण सी कहानी थी, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कहानी शुरू करने से पहले कि कहानी इस अंत तक जा सकती है, उसको उसमें ऐसे मोड़ आ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कभी भी बच्चों को अंडर एस्टिमेट तो खास कर नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं ये सोच के गया था कि मतलब कहानी है सिंपल, मैं इसमें एक्सटेंशन में थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि बच्चों की थिंकिंग इस लेवल तक जा सकती है और वो एक इंटर डिसिप्लिनरी काम यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि वो कानून व्यवस्था पर भी बात कर रहे थे, वो एक अपने संवेदनशीलता पर भी बात कर रहे थे, पर्यावरणीय संवेदनशीलता क्या होती है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरा एक अनुभव रहा जिसे मैं साझा करना चाह रहा था। बाकी ये है कि इस कहानी को अगर हम अन्य स्तरों में भी ले जाएं तो मुझे लगता है कि आगे के स्तरों में भी इसमें बात की जा सकती है उनके स्तर के अनुसार, और अगर छोटे स्तर में ले जाया जाए तो वहाँ भी इस पर बात की जा सकती है। तो इस कहानी को खासकर बच्चों ने काफ़ी रोचक बनाया और मेरे लिए एक यादगार क्षण बनाया, यही मैं कहना चाहता हूँ।